Hello and good morning, students. Welcome to our online class of English. So, students, this is the third part of chapter 8, that is the palindrome of your English reader book. In the last part, we covered the reading portion. I hope that you might have understood the chapter. So, let's start with today's part with the exercise of the chapter. So, students, the first one is word meaning. so in the chapter I have explained you all the word meanings so you have to learn all the word meanings of the chapter so first is comprehension the first question is fill in the blanks okay the first is the dash lady did not know what to do so students हम लोगों ने जब chapter read किया तो हमने सारी story पढ़ी है तिनाली रमन के बारे में तो अगर हम जब fill in the blanks का sort out करेंगे तो सारे words हमें अपने आप से याद आने लगेंगे कि हमने किस सेंटेंस को किस तरीके से रीड किया था तो आपका फर्स्ट है द द डैश लेडी डिड नॉट वॉट टू डू तो इसमें आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स द पुअर तो फर्स्ट वाले परिंदा ब्लैंक्स का आपका आंसर हो जाएगा पुअर तो हमने आपका फर्स्ट थर्ड पैराग्राफ सॉरी फोर्थ पैराग्राफ पे पढ़ा था द पुअर लेडी डिड नॉट नो वॉट टू डू रमन डिड नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली तो फर्स्ट लाइन है फोर्थ पैराग्राफ की तो हमने इस सेंटेंस को रीड किया था उसमें तो फर्स्ट फिलप का आंसर हो जाएगा पुअर पुअर लेडी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना है क्योंकि रमन किसी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था ओके नाउ द सेकेंड इज शी फाउंड अ होली मैन हु वॉज डैश एंड सेंड ऑफ टू स्टडी विथ हिम तो सेकेंड वाले फिलिंदा ब्लैंक्स में दो फिलप है तो पहले वाले में आ जाएगा टीचर और सेकेंड वाले में आ जाएगा रमन तो सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या है शी फाउंड अ होली मैन तो उन्हें एक होलीमैन मिले जो टीचर थे हु वॉज अ टीचर और उन्होंने उसे रमन को उस टीचर के पास स्टडी के लिए भेजा उनके साथ तो सेकेंड वाले द ब्लैंक्स के पहले वाले में आएगा टीचर और सेकेंड वाले में आएगा रमन नाउ दर्ड फिलअप इज हिज टीचर देन टॉट हिम डैश एंड टोल्ड हिम टू रिसाइट इट एट नियर बाय टेम्पल डैश टाइम्स तो थर्ड वाला सेंटेंस जो है सेकेंड पेज पर फोर्टी एट नंबर पेज का फर्स्ट लाइन

थ्री मिलियन टाइम्स तो लिखा हुआ है ओके okay? तो इट इज़ द थर्ड फिल अप नाउ द फोर्थ इज द गॉडेस वॉज डैश फॉर अ मोमेंट ओके द गॉडेस वॉज फॉर अ मोमेंट द गॉडेस जो है एक क्षण के लिए क्या हो गई हमने सेकेंड जो पेज है फोर्टी एट नंबर पर ही अगर आप देखेंगे लास्ट से अगर हम देखें तो सिक्स सेवन स्टार्टिंग से सेवन्थ पैराग्राफ है जो द गॉडेस वॉज ए स्टर्न फॉर अ मोमेंट तो सेकेंड फोर्थ वाले का आपका आंसर आ जाएगा स्टर्न एस टी यू डबल एन ई डी एस टी यू डबल एन ई डी तो फोर्थ वाले में आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका स्टर्न ओके नाउ शी कर्ज यू विल अर्न लिविंग एज अ तो जो गॉडेस थी जो देवी थी उन्होंने तेनाली रमन को क्या कर दिया कि तुम अपनी जो लिविंग है वो कैसे अर्न करोगे अपना जीवन यापन कैसे करोगे जेस्टर की तरह तो so फिफ्थ वाले सेंटेंस में आ जाएगा जेस्टर जेस्टर लिखेंगे और डैश करके लिखेंगे अविकट कवि ठीक है जेस्टर डैश करके लिखोगे अविकट कवि ओके जेस्टर डैश करके लिखोगे अविकट कवि ओके ये भी आपने लास्ट फोर्टी एट पेज नंबर के लास्ट फोर्थ पैराग्राफ की लाइन है ये ठीक है जेस्टर अविकट कवि सो नाउ सिक्स सेंटेंस है आपका रमन वेंट ऑन टू बिकम कोर्ट जेस्टर टू द किंग ऑफ डैश विजयनगर तो रमन जो है कोर्ट का जैसर बनने के लिए विजयनगर के किस किंग के पास गया तो सबसे जब चैप्टर का लास्ट लाइन है सबसे लास्ट लाइन है चैप्टर की तो वो राजा कहाँ के थे विजयनगर के थे उनका नाम क्या था दैट इज कृष्ण देव सबसे लास्ट लाइन है चैप्टर की तो सिक्स वाले सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राया ओके स्टूडेंट्स तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं सो स्टूडेंट्स नाउ बी क्वेश्चन इज मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो अपने मन से भी सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन मैंने भी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाए यू कैन गो थ्रू दीज सेंटेंसेस द फर्स्ट इज द फर्स्ट वर्ड इज़ कम इंटू स्टिकी एंड ओके कम इंटू स्की एंड इसका मीन्स होता है गेट इंटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन ठीक है गेट इंटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन तो हमारा सेंटेंस है रमन केम इंटू स्टिकी एंड रमन केम इन टू स्टिकी एंड जो रमन है वो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया सेकेंड सेंटेंस है सेकेंड वर्ड है हमारा कैम्फर कैम्फर मीन्स होता है स्वीट स्मेलिंग क्रिस्टल डिराइव फ्राम द वर्ड द कैम्फर ट्री यूज इन मेडिसंस कपूर बोलते हैं तो उसका सेंटेंस है हमारा रमन लेट कैम्फर टू प्लीज द गॉड रमन लेट कैम्फर टू प्लीज द गॉडेस सेकेंड सेंटेंस है हमारा रमन लेट कैम फर टू प्लीज द गॉडेज आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं रमन यूज टू यूज कैम्फर टू प्लीज द गॉडेज ऐसे भी बना सकते हैं सो सेंटेंस यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो ओके नाउ द थर्ड इज़ एरेवेंट इसका मीनिंग होता है इरेवेंट मीन्स क्या होता है मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था इरेवेंट का मीन्स होता है आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे डिड नाट रिस्पेक्ट एनी वन ठीक है रमन वॉज इवेंट बाई नेचर

Raman had the temerity before Goddess. Raman had the temerity before Goddess. Okay, students. Now, fifth sentence is take him in hand. Take him in hand. It means deal strictly with someone. Deal strictly with someone. The teacher took Raman in hand. The teacher took Raman in hand. ओके okay, तो ये आपके सेंटेंसेस थे तो सेंटेंसेस अगर आप चाहो तो अपने मन से भी फ्रेम कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन इज़ नंबर दी सेंटेंसेस विद करेक्ट ऑर्डर तो यहाँ पर कुछ एट सेंटेंसेस दिए हैं इनका ऑर्डर जो है वो प्रॉपर नहीं है मीन्स गलत ऑर्डर में दिए हैं आगे पीछे दिए हैं तो हमें इन्हें सीक्वेंस वाइज करना है जैसे हमने अभी तेनाली रमन की पूरी स्टोरी रीड आउट करी है रीडिंग लगाई हमने पूरी तो कौन सा इवेंट कब हुआ था तो उसको हमें सीक्वेंसली अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक अरेंज करना है. मतलब जम्बर्ड होता है जैसे एक स्टोरी दी होती जम्बर्ड होते हैं, आगे पीछे, पीछे सेंटेंस रहते हैं तो अरेंज करके रीअरेंज करके इसको स्टोरी बनानी है तो इसी तरीके से एट सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो आपको उसको अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज कि कौन के बाद कौन सा इवेंट हुआ तो मैं एक बार पहले रीड कर देता हूँ सारा एट सेंटेंसेस द फर्स्ट इज़ द गॉडेस रिवील्ड हर सेल्फ सेकेंड सेंटेंस है तेनाली वॉज डिलइटेड विद द कर्स थर्ड सेंटेंस है तेनाली मूवड इज हैड फ्रॉम साइड टू साइड फोर्थ सेंटेंस है द गॉड वॉज फ्यूरियस फिफ्थ सेंटेंस है तेनाली आर्ज वॉट शी डिड वेन शी हैड अ कोल्ड सिक्स सेंटेंस है तेनाली लाव्ड अनकंट्रोलेबली सेवेंथ सेंटेंस है द गॉडस कर्ज तेनाली एंड द एर्थ सेंटेंस इज द गॉडेज डिक्लेयड दैट तेनाली वुड बिकम अ कोर्ट जेस्टर तो ये एट के एट सेंटेंस है इनको अरेंज करना है तो सबसे पहले सेंटेंस आएगा फर्स्ट वाला ही द गॉडेस रिवील्ड हर सेल्फ मीन्स गॉडेस जो है वो प्रकट हुई ठीक है जो देवी है वो प्रकट हुई थी सबसे पहले इसके बाद सेकेंड सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये वाला तेनाली मूवड हिज हैड फ्रॉम साइड टू साइड इसके बाद तेनाली ने अपना जो हैड है वो मूव किया साइड टू साइड एक साइड से दूसरे साइड थर्ड आपका आ जाएगा तेनाली रा, तेनाली अनकंट्रोलेबली वो बहुत खूब हँसा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा इतना हंसते जा रहा था ये देख कर फोर्थ सेंटेंस आपका आ जाएगा तेनाली आर्ज व्हाट शी डिड व्हेन शी हैड अ कोल्ड इसके बाद तेनाली ने गॉडेस से पूछा कि जब आपको कोल्ड होता है तब आप क्या करते हो तो उस तरीके से उसने पूछा था इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस आएगा द गॉडेस वॉज फ्यूरियस द गॉडेस वॉज फ्यूरियस नाउ द दिक्सथ सेंटेंस द इसके बाद जो गॉडेस थे उसने तेनाली को कर्ज दिया द गॉडेस कर्ज तेनाली इसके बाद सेवेंथ सेंटेंस आ जाएगा आपका

वन एट टू फाइव फोर थ्री सिक्स सेवन आई रिपीट वन एट टू फाइव फोर थ्री सिक्स सेवन तो ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर है इसको आप याद कर लेना स्टूडेंट्स ओके सो स्टूडेंट्स जितनी जितनी एक्सरसाइज मैंने आपको मार्क करवाई है जितना मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उतनी ही एक्सरसाइज आपको ध्यान देना है और आपको लर्न करना है और बाकी का आपको कुछ भी नहीं करना है ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट इज ग्रामर कॉर्नर तो अब हम ग्रामर कॉर्नर पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जेरन तो जेरेंट्स क्या होते हैं जेरेंट वैसे तो ग्रामर का टॉपिक है लेकिन फिर भी इन्होंने रीडर की बुक में दिया है थोड़ा बहुत पार्ट ओके तो जेरेंट्स आर पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विच फंक्शन एज नाउन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो तो जेरेंट्स जो होते हैं वो वर्ब के पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं जो नाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं तो जेरेंट्स क्या होते हैं वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म होता है जो नाउन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंस में तो जेरेंट्स का मतलब एक स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में नाउन का सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, का काम करती है तो उसे हम जेरेंट्स बोलते हैं वर्ब आईएनजी फॉर्म इज़ यूज्ड यूजलेस नाउन सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आल्सो दैट इज़ कॉल्ड जेरेंट्स इसे हम क्या बोलते हैं जेरेंट्स कहते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आई हैड रेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ विटनेसिंग द टोटल इक्लिप्स इट प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग दैट पार्ट ऑफ द अर्थ तो आई एन जी फॉर्म जहाँ भी आ रही होगी सेंटेंसेस में वो हमारा जेरेंड होगी ठीक है द रियल डेंजर इज इन डिस्क्रिमिनेटिंग ऑफ पार्शली कवर्ड सोलर डाइस शी नाउ टू रिवेंज बाय ब्लॉकिंग हिम आउट वेन एवर पॉसिबल तो अब हमारी एक्सरसाइज है तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ़ करना तो एफ क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द रिक्वायर्ड प्रीपोजिशन एंड द जेरेंट्स फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें आपको प्रिपोजिशन भी यूज़ करना है और जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उनका जेरेंट फॉर्म भी यूज़ करना है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही प्लेटेड गिल्टी डैश अटैक द मैन तो गिल्टी के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन यूज़ करते हैं हम अधिकतर वो यूज़ करते हैं ऑफ और इसके साथ जेरन फॉर्म लगाना है तो जो भी वर्ड ब्रैकेट में दिया है उसका आई एन फॉर्म बना देंगे अटैक होगा तो अटैकिंग हो जाएगा है ना तो ही प्लेडेड गिल्टी ऑफ अटैकिंग द मैन ठीक है तो यहाँ पर जो है ऑफ जो है वो सूटेबल प्रिपोजिशन है ठीक है ऑफ जो है यहाँ पर सूटेबल प्रिपोजिशन है और वर्ड है जो ब्रैकेट में वो है अटैक तो अटैक का यहाँ पर हो जाएगा अटैकिंग ही प्लेडेड गिल्टी ऑफ अटैकिंग द मैन ठीक है सेकेंड सेंटेंस है द डॉक्टर वॉन्ट हर डैश टू मैनी स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर ने वॉर्न किया ठीक है तो यहाँ पर जो प्रिपोजिशन आएगी वो आएगी सुटेबल प्रिपोजिशन दैट इज अगेंस्ट तो सेकेंड सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे अगेंस्ट प्रिपोजिशन यूज करेंगे और ब्रैकेट में जो वर्ड है टेक उसका जेरन फॉर्म लिखेंगे वो क्या हो जाएगा टेकिंग तो डॉक्टर ने उसको वॉन किया ठीक है डॉक्टर वॉर्न हर अगेंस्ट टेकिंग टू मैनी टू मैनी स्लीपिंग पिल्स टू मैनी स्लीपिंग पिल्स के अगेंस्ट में डॉक्टर ने उसको मतलब बहुत सारी जो स्लीपिंग पिल्स लेने के अगेंस्ट में डॉक्टर ने उसको वॉन किया तो यहाँ पर जो सूटेबल प्रिपोजिशन वो यूज हो रही है अगेंस्ट नाउ द थर्ड इज शी शी इज ऑलवेज कम्पलेनिंग डैश टू मच वर्क टू डू ठीक है शी इज ऑलवेज कम्पलेनिंग डैश टू मच वर्क टू डू तो ब्रैकेट में हैव है तो हैव का तो हैविंग हो जाएगा रिजरेंट फॉर्म यूज करेंगे मतलब यहाँ पर होगा शी इज शी इज ऑलवेज कम्पलेनिंग अबाउट

वुड यू ऑब्जेक्ट डैश टू माई डैश टू अवे फॉर अ फ्यू डेज तो यहां पर जो सुटेबल प्रिपोजिशन है जैसे हम यूज करते हैं वुड यू लाइक टू टेक कॉफी वुड यू लाइक टू डू डेज तो वुड यू ऑब्जेक्ट टू तो यहाँ पर जो सुटेबल प्रिपोजिशन हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे टू और गो का क्या हो जाएगा गोइंग जैरन फॉर्म क्या हो जाएगा गोइंग वुड यू ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज वुड यू ऑब्जेक्ट टू माई गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज तो टू आएगा और सेकेंड वाले में आ जाएगा गोइंग नॉ स्टूडेंट फिफ्थ सेंटेंस है आपका बैड वेदर प्रिवेंटेड दैम बैड वेदर प्रिवेंटेड कंटिन्यू विद द गेम तो कंटिन्यू का तो कंटिन्यूंग हो जाएगा तो बैड वेदर प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम कंटिन्यूंग वि गेम बैड वेदर ने उनको गेम को कंटिन्यू करने से रोका तो किसी भी काम से जब सेपरेशन होता है तब फ्रॉम का यूज करते हैं फ्रॉम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं सेपरेशन हो रहा है और कंटिन्यू का सैरेंट फॉर्म क्या देगा कंटिन्यूइंग हो जाएगा तो बैड वेदर प्रिवेंटेड देम फ्रॉम कंटिन्यूइंग विद द गेम, तो फिफ्थ वाले में आ जाएगा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ठीक है नाउ द सिक्स शी इंसिस्टेड डैश पे द एंटायर बिल दो वी प्रोटेस्टेड ठीक है शी इंसिस्टेड इंसिस्ट के बाद ऑन ही आता है अधिकतर तो सुटेबल प्रिपोजिशन ऑन है और पे का क्या का? हो जाएगा पेइंग हो जाएगा पी ए वाई आई एन जी ठीक है पे का जेरेंट फॉर्म पेइंग हो जाएगा आई एन जी लग जाएगा तो उसने पूरे बिल के लिए पूरे बिल को पे करने के लिए इंसिस्ट किया दो वी प्रोटेस्टेड ठीक है हालांकि हमने प्रोटेस्ट किया इसका ठीक है तो यहाँ पर सेंटेंस में जो सुटेबल प्रिपोजिशन हम यूज कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं ऑन तो आपका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा ऑन पेइंग सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर तो ये सारी एक्सरसाइज थी चैप्टर एट की तो इस तरीके से हमारा चैप्टर एट जो है वो एंड होता है तो इस तरीके से आपको चैप्टर चैप्टर की एक्सरसाइज को गो थ्रू होना है तो इस तरीके से फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू